तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस वाले, पुलिस अधिकारी थाने पे किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े के विवाद में भी किसी को पकड़ के ले आए हैं। तो उसे अब ठीक है, पकड़ के ले आए, जांच पड़ताल करो, छोड़ दो, घर जाए। लेकिन पुलिस वालों की कहानी क्या है कि वो जब तक दो तीन चार दिन नहीं बैठाए रहते हैं, उनके आत्मा में संतुष्टि नहीं होती है। कहने का मतलब, किसी भी व्यक्ति को इल्लीगल तरीके से थाने में बैठाए रहेंगे, चार पांच दिन तक बैठाए रहेंगे। अब वो गरीब आदमी, प्रताड़ित आदमी करे तो करे, क्या करे? पुलिस के पास डंडा है, पावर है, पोजीशन है, उसके पास तो कुछ है नहीं। अब बहुत जानकार भी है तो उसका मुंह दो डंडा मार के बंद किया जा सकता है। हालांकि ऐसा सभी अधिकारी थाने सभी नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम यही देखने को मिलता है कि आम जनता को इसी तरह से पुलिस से परेशानी होती है। तो ऐसी कंडीशन में करना क्या चाहिए कि जिसके घर के सदस्य को वो लोग पकड़े हैं पुलिस वाले, उसके घर वालों को जा के दो तीन दिन तक छिप कर वीडियो बनाना चाहिए कि पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये। हर वीडियो की डिटेल भी मौजूद रहती है कि ये वीडियो किस दिन का बनाया गया है मोबाइल में। तो वो जो वीडियो आप बना लेंगे, दो दिन यानी 24 घंटे से अधिक अगर पुलिस वाले रखते हैं, क्योंकि धारा 57 CRPC की धारा 57 में ये प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को आप 24 घंटे से अधिक थाने पर नहीं रख सकते। अगर गिरफ्तार व्यक्ति है, बिना वारंट के गिरफ्तार व्यक्ति है, उसे भी 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं रख सकते हैं। अगर रख किन कंडीशनों में रख सकते हैं कि धारा 167 में मजिस्ट्रेट को इत्तला देनी पड़ेगी कि ये 24 घंटे से अधिक समय लगेगा इसकी जांच में, वो परमिशन देगा। दूसरी बात ये कि वो 24 घंटे में जो थाने से न्यायालय तक ले जाने में समय लगेगा, वो अलग का समय माना जाएगा। यानी अगर 10 घंटे लग रहा है थाने से न्यायालय पहुंचने में, तो वो 10 घंटे एक्स्ट्रा माने जाएंगे, जोड़े जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन कंडीशनों में अगर आपको बिना किसी अपराध में पकड़ा गया है, पकड़ लिया गया है थाने पे इंक्वायरी के लिए, और आपको तीन चार दिन तक बंद रखा गया है, तो आप बिना डरे सीधे आप जिले के कप्तान के पास जाइए, SSP के पास जाइए, वहां पे पुलिस वालों की शिकायत करिए, उसमें उनकी शिकायत करिए कि क्यों बैठा के रखा गया है, कोई कारण नहीं बता रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बस उसे बैठा के बंद करके रखे गए। और ये बंद करने का कारण मैं आपको बता दूं, जिस दिन ले आएंगे उससे एक दिन तो बातें नहीं करी जाएंगी, ताकि उसके घर वाले परेशान होना शुरू करें, परेशान होना शुरू करते हैं तो पैसा कौड़ी मिलता है। थाने में जो गया 10-5 हजार तो उसका आम बात है, अगर किसी अपराध में गया है तो भैया उससे 50-50 हजार, लाख लाख रुपए लेके छोड़ा जाता है। मैंने एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि हर अधिकारी ऐसा नहीं होता है, हर थाना ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम मामलों में ये होता भी है कि पुलिस का जो ये रवैया है वो आम जनता को बहुत ज़्यादा हैरान परेशान करता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ताकि उसे करना क्या होगा उसका पता चल सके। और एक बड़ा फ़ायदा है, मान लेते हैं कि आप SSP के यहाँ नहीं गए, तीन चार दिन तक उसे रखा गया, उसके बाद उसका चालान करके जेल भेज दिया गया, तो वहां पे आपका वो वीडियो क्या काम आएगा? कि क्योंकि पुलिस वाले कभी ये नहीं बताते हैं कि हम 24 घंटे से ज्यादा रखे थे, वो उसमें देखेंगे आप जब जेल भेजने लगेंगे, गिरफ्तारी प्रापत्र होता है, गिरफ्तारी मेमो होता है, उसमें समय वगैरह सब दिखाते हैं, उसमें उनका झूठ पकड़ा जाएगा, उसमें कोर्ट को आप ये बात रख सकते हैं, बता सकते हैं कि साहब इसे चार दिन बंद रखा था, ये हमारे पास वीडियो, एक ये ग्राउंड हो जाता है। और जबरदस्ती एक ग्राउंड और होता है जिसे जेल भेजना होता है, लेके आया है या वो अपने से चल के आया थाने पे, लेकिन उसको गिरफ्तारी में क्या दिखाते मालूम है? जरिए मुखबिर सूचना मिली, मुखबिर खास हो जाता है, मुखबिर खास से सूचना है, पुलिस वालों के पास मुखबिर बहुत होते हैं,
ये कागज पे वैसे चाहे एक को ना हो, दलाल होते हैं, मुखबिर उन्हें नहीं कहा जाता, उन्हें दलाल कहा जाता है। जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि अगर जल्दी से वहां आया जाए या फला पते पे पहुंचा जाए तो वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा सकता वगैरह वगैरह, उस पे बातों पे विश्वास करके हम वहां पहुंचे, हम मुखबिर खास ने हमें दूर से इशारा किया। ये तरीके से मामले शिकायत में लिखे जाते हैं, गिरफ्तारी मेमो पे लिखे जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, जो कि सरासर गलत होता है। वहां पे ग्राउंड क्या बनता है कि ठीक है वहां से गिरफ्तारी हुई, किसी ने देखा, कोई स्वतंत्र साक्षी था, नहीं था, सिर्फ मनगढ़ंत तरीके से किसी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।